निलॉस यूनिसेक्स सलोन एंड अकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। गुरुवार का दिन है और नागरिक संशोधन एक्ट के ऊपर अजमेर शहर के अंदर दो तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक विरोध हो रहा है समर्थन में और एक विरोध हो रहा है खिलाफत में। और इस समय नागरिक संशोधन जो बिल है उसके समर्थन में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अजमेर के बहुत सारे तमाम संगठनों के लोग हैं। सुबह 12 बजे वेगा मॉल से कलेक्ट्रेट का एक विरोध प्रदर्शन निकला था जिसके अंदर संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा था और उसमें कांग्रेस के जो तमाम छात्र संगठन हैं वो उसके अंदर शामिल थे। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र विचार मंच यहाँ पर है। इस संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो समर्थन में आए हैं, क्या कह रहे हैं इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि विरोध और समर्थन दोनों तरीके के लोग इस समय अजमेर के अंदर हैं और दोनों ही तत्वों ने प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे इस पूरे इसके ऊपर? आज 12 बजे भी विरोध किया गया इस बिल का और आप लोग समर्थन में आए। देखिए, ये विरोध के समर्थन में इसलिए आए क्योंकि सृष्टि में हमेशा जयचंदों की कमी नहीं रही है और इस बार कलयुग के अंदर जिस प्रकार से कलयुग में राम की जगह साथ में रावण पैदा हुए थे सतयुग में, उसी प्रकार से कलयुग में कुछ रावण रूपी इस देश के अंदर वो जो हमारे ही खा रहे हैं और हमारे ही बजा रहे हैं, ऐसे देशद्रोह पैदा हो गए। उनको सद्बुद्धि देने के लिए, उनको इस तरीके से, उनको ये लगता है प्रजातांत्रिक रूप से अगर वो उनकी कुछ लोगों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे तो हमने ये बता दिया कि इसके समर्थन में भी इतने लोग हैं जिनकी उनकी संख्या बहुत छोटी है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन विरोधियों से, उन जन विरोधियों से, उन नैतिकता के विरोधियों लोगों से कि इस प्रकार का ना करें, अन्यथा ये लोग तो अभी तो ये झांकी है और मेला अभी बाकी है। अगर इन्होंने कहीं देखी है तो ये सिर्फ झांकी है आज की, और ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर आज ये हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक रूप से जब लोकतंत्र की अगर वो भावनाओं की कदर करते हैं और लोकतंत्र में लोकसभा में जब कानून बन चुका है तो इस कानून की रक्षा करें और प्रजातंत्र में जो लोगों का मत है, जिसने सरकार को जिता के भेजा है और सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को स्वीकार करें और अफवाहों पे ना जाएं। मैं फिर कह रहा हूँ अफवाहों पे ना जाएं। सैम, अच्छा, देश में दो तरीके के प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं हिंदुस्तान में। दिल्ली के अंदर तो मोबाइल और इंटरनेट भी बंद कर दिए गए हैं, योगेंद्र यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान में आप लोगों की तरफ से समर्थन में हो रहा है, वहाँ विरोध में हो रहा है। वो लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर धर्म के आधार पर कोई एक्ट और कोई बिल क्यों पास किया जा रहा है? क्या ये देश में जो नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता जिस तरीके से तय की जा रही है धर्म के आधार पर, क्या ये गलत नहीं है? एक जेन्युइन सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में बना हुआ कानून धर्म के आधार पर है लेकिन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो संविधान ही लोकसभा बनने की इजाज़त देता है। मेरा निवेदन है संविधान के तहत ही लोकसभा बनी है, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को इस जनता ने बहुमत के साथ भेजा है। तो एक तरफ तो वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान के द्वारा ही चुनी गई सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो पहले तो उनसे पूछिए कि आप स्वयं हित के लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए और संविधान के लिए काम कर रहे हैं। अगर संविधान के लिए काम कर रहे हैं तो संविधान की चुनी हुई सरकार है, फिर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन जन समर्थन इतना हो रहा है कि इतना भयावह जन समर्थन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ है कि कुछ लोगों की जो दुकान थी और शोरूम तो था ही नहीं, जिनके दुकान में सामान नहीं था लेकिन वो दुकान लेके बैठे हुए थे। कोई अन्ना हजारे के नाम पर, हमारे अन्ना हजारे के नाम पर जिन लोगों ने दुकानें खोली, जिन्होंने युवाओं को भ्रमित करके दुकानें खोली, ये वही लोग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का ये जन समर्थन किसी के विरोध में नहीं है। अच्छा, युवाओं के समर्थन की बात आ रही है, आज कुछ युवा आए थे 12 बजे वेगा मॉल से कलेक्टर तक विरोध करने के लिए आए थे, उनका कहना था। क्या आपको लगता है इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं जो धरातल के ऊपर युवाओं के बीच में एक भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको सही तरीके से बिल की जानकारी नहीं है? नहीं है उनको जानकारी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो युवा, पहली बात तो इस देश का जिन समर्थन की युवा थे, तो 52 साल का आदमी उनके लिए युवा नेता है, ठीक है ना? मैं पहले बता दूं, 52 साल का अगर युवा नेता है और कितना परिपक्व युवा है कि राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली जिन्होंने एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है, मैं यही बात बता रहा हूँ। एनएसयूआई के लोग आए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। तो एनएसयूआई किसकी है? राहुल गांधी की, कांग्रेस की। तो जब उनका युवा ही 52 साल का है और वो परिपक्व नहीं है तो उनके समर्थन कैसे परिपक्व हो सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं एनएसयूआई के लोगों को बताता हूँ कि मैं बता रहा हूँ, देश रहेगा तो एनएसयूआई रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी। अगर देश ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और नरेंद्र मोदी जी इस देश को रखना पहले चाहते हैं, नेशन फर्स्ट,
इंडिविजुअल सेकंड, सोसाइटी थर्ड एंड पार्टी इज गॉन। चलिए, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, अलग अलग तरीके की राय सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो युवा आज विरोध करने के लिए आए थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर भ्रम है, और जो बाकी के जो लोग हैं जो जिनको ये साथ में लेकर आए थे उनके अंदर भी एक अफवाह का माहौल है, उन्हें भ्रम बताया गया है। इस एक्ट को लेकर जो जमीनी हकीकत बतानी चाहिए थी वो बताई नहीं गई है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कुछ और राय। आज नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत जो हमारा बिल पास हुआ था उसके समर्थन में आज हमारा जन समर्थन में आज हमारी आज़ाद पार्क से होते हुए जिला परिषद होते हुए आज कलेक्ट्रेट पे यहाँ पर हम लोगों ने जन समर्थन हेतु एक रैली रखी गई। निश्चित तौर पे हमारे इसमें समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु, सभी जनप्रतिनिधि, हमारा पूरा अजमेर जिला जो आज एकत्रित होकर हमारे इस बिल को हम लोगों ने जन समर्थन दिया है, बिल पास हुआ उसके लिए हम लोगों ने जन समर्थन के लिए एक रैली रखी है। राष्ट्र विचार मंच अजमेर की ओर से आज नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन के लिए एक सभा और रैली का आयोजन किया गया। बहुत ही कम समय में कल सायंकाल हम सब ने अजमेर की जनता से आह्वान किया था कि इस बिल के समर्थन के लिए कल प्रातः आज़ाद पार्क से एक रैली निकलेगी, मार्च निकलेगा। तो अजमेर की जनता ने इसके समर्थन करने के लिए स्वैच्छिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में आज़ाद पार्क में एकत्र हुए। हम सबको ध्यान में ही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जब देश का स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय पर हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के लोग वहाँ पर रह गए थे जो कि लगभग 23% थे, लेकिन गत वर्षों में उन पर इतना अत्याचार हुआ, उनके साथ प्रताड़ना हुई कि आज उनकी जनसंख्या केवल और केवल मात्र 2.35% रह गई है। यानी इतने सारे लोग कहाँ गए, वहाँ उन पर इतने अत्याचार हुए जिसके कारण से या तो उनका धर्मांतरण हो गया या उनकी हत्याएं कर दी गई, उनकी माताओं बहनों के साथ दुराचार किया गया। इसलिए भारत सरकार ने अभी इन तीनों देशों में से चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों, जैन धर्म के मानने वाले लोगों, पारसी लोगों या ईसाई समाज के लोगों, यदि वो लोग इस देश में आकर के शरण मांगते हैं तो इस देश का दायित्व है कि ऐसे लोगों को संरक्षण दे, और इन्हीं को नागरिकता देने के लिए वर्तमान की राष्ट्रवादी केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 पास किया है जिससे इन लोगों को नागरिकता मिलेगी। पूरे विश्व में इन धर्मों के लोगों को संरक्षण देने के लिए भारत के अलावा और कोई देश नहीं है, वे हमारे ही बंधु हैं, वो यदि यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसके लिए हम भारत सरकार का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और वर्तमान में जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध करने के लिए आगजनी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम उन लोगों को घोर निंदा करते हैं। हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, जो इस देश में रहने वाले हैं वो यही रहेंगे। हम तो केवल जो बाहर से आने वाले हैं उन लोगों के लिए अधिनियम लाया गया है, हम इसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हैं और इस समर्थन के लिए अजमेर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जब राष्ट्रवादी काम हो तो उनके समर्थन के लिए स्वैच्छिक रूप से वे लोग इकट्ठा होंगे। इतना ही। जो सभा हुई थी उसमें कौन कौन से समुदाय थे? इसमें नरसिंह मंदिर के महंत हैं पूज्य स्वामी श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, चित्रकूट धाम के पाठक जी महाराज, मनोहरदास जी महाराज उदासीन आश्रम, और सत्यनारायण जी महाराज सीताराम मंदिर। इसके अलावा भी 5-6 संत और थे, ये मुख्य संत आए थे। इनके संतों के नेतृत्व में ही ये सारा हमारा मार्च हुआ और इन सब के आशीर्वाद से हम सब लोग सारे काम करते हैं। धन्यवाद। रामबाबू शर्मा, संयोजक, राष्ट्र विचार मंच अजमेर।